हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफेट एकेडमी में। मैं हूँ शशिकांत राय और यहाँ पर जो वीडियो लेकर के हैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें आपको बताएंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 या इससे पहले जो बीपीएससी की परीक्षाएं हुई हैं 1.0 या 2.0 उसमें जो है मेधा अंक का निर्धारण जो है कैसे किया जाता है, यानी कि आपका जो कट ऑफ होता है वो तो जो है पहले से डिक्लेयर रहता है कि इतना कट ऑफ रहेगा तो आप जो है उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है मेधा अंक का जो निर्धारण होता है वो आपको ये बताता है कि आपको औबंधिक नियुक्ति पत्र जो है जारी किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, क्योंकि बिना औबंधिक नियुक्ति पत्र जारी किए हुए आपको काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता है। तो ये किस प्रकार से होता है, इसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, लगभग जो है इसमें आपको तीन या चार कंडीशंस जो है होती हैं जो अप्लाई की जाती हैं बीपीएससी द्वारा। जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं अगर उनका कट ऑफ जो है या पास आउट कर जाएं या उत्तीर्णता उत्तीर्ण वाले अंक जो है उन्होंने प्राप्त कर रखे हैं, यानी जितना कट ऑफ डिक्लेयर होता है 45% 40% जो भी, अगर आपने वो जो है उत्तीर्ण कर लिया है, पास कर लिया, उत्तम मार्क्स पा लिया है, तो बीपीएससी ये सेलेक्ट करने में जो है क्या प्रक्रिया अपनाता है कि किसको औबंधिक नियुक्ति पत्र भेज करके काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। और भी बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन आपको इस पे जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड मिलती रहेंगी और भविष्य में आने वाले बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। इसके साथ ही जो है कुछ दिनों में हम जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के इसका जो भाग दो होता है यानी पार्ट टू जो होता है जीएस या सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन होता है उसके लिए आपको जो स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड कराएंगे ऑनलाइन लेक्चर या वीडियो के माध्यम से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह वाला वीडियो आप शेयर करिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंच सके कि बीपीएससी जो है किस तरीके से जो है नियुक्ति पत्र जो है औबंधिक नियुक्ति पत्र जो है भेजता है काउंसलिंग में जो है बुलाने के लिए। पूरी डिटेल्स को बहुत ध्यान से जो है देखिएगा। जो विज्ञापन इसका जो निकला था, नोटिस जो आता है एडवर्टीजमेंट का बीपीएससी टीआरई 3.0 का, ये उसी से लिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या फिर अगर आपका सिलेक्शन रुक रहा है तो किस वजह से रुकता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक कारण होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें जो है सबसे पहले जो कट ऑफ के आधार पर होता है यानी कि कुल प्राप्तांक के आधार पर जो है क्या किया जाता है, औबंधिक नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है। कुल प्राप्तांक का मतलब ये होता है कि भाग दो और भाग तीन के आधार पर, भाग दो या भाग तीन के आधार पर बीपीएससी क्या करता है, औबंधिक मेधा सूची तैयार करता है। यहाँ भाग दो का मतलब क्या होता है, सामान्य अध्ययन, और भाग तीन का मतलब होता है चयनित विषय या सिलेक्टेड सब्जेक्ट जो आप जैसे एसएसटी या साइंस या मैथ का जो स्टूडेंट होता है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 6 to 8 लेकर 6 से 8 से लेकर के 12 क्लास तक का जो है सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। 1 to 5 का हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर जो है कुल प्राप्तांक के आधार पर सबसे पहले जो भेजा जाता है यानी कि जिसकी मेरिट सबसे हाई रहती है, ठीक है, भाग दो और भाग तीन के जो कुल प्राप्तांक होते हैं उसको मिलाकर के जिसका कट ऑफ हाई होता है उसको जो है औबंधिक नियोजन या नियुक्ति पत्र जो है भेजा जाता है, काउंसलिंग में बुलाया जाता है। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन में जो है तीन कंडीशन आती हैं कि अगर जो है कुल प्राप्तांक समान है तो उसके अंतर्गत फिर तीन कंडीशन आती है, यानी कि अगर आपका जो है कट ऑफ सबका जो है इक्वल हो रहा है, सेम कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या सेम सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं और कुल प्राप्तांक या कुल कट ऑफ जो जारी किया गया है वो इक्वल हो रहा है, तो उसमें के बाद जो है तीन कंडीशंस आती हैं। तो उन तीन कंडीशंस में जो है किस तरीके से जो है नियुक्ति पत्र भेजा जाता है काउंसलिंग के लिए, उसकी जो पहली कंडीशन है उसमें होता है कि कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में, पहली कंडीशन, मेधा अंक निर्धारण का मतलब होता है किसको नियोजन पत्र भेजना है काउंसलिंग के लिए, पहली चीज तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जो पहली कंडीशन होती है उसमें ये होता है कि चयनित विषय अर्थात भाग तीन का प्राप्तांक किस अभ्यर्थी का ज्यादा है, चयनित विषय यानी कि भाग तीन का प्राप्तांक किस अभ्यर्थी का ज्यादा है उसे ही औबंधिक नियुक्ति पत्र जो है काउंसलिंग के लिए जो है भेजा जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आपका कट ऑफ इक्वल है, ठीक है, तो उसमें देखा जाता है कि आपका जो चयनित विषय था भाग तीन था उसमें आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। अगर जो भी कैटेगरी में शिक्षक अभ्यर्थी उसमें उपलब्ध हैं या उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उपलब्ध हैं और उसमें भाग प्राप्तांक जो है तीन का आपका ज्यादा है तो आपको जो है औबंधिक नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और नौकरी आपको मिलेगी, ठीक है। ये जो है पहली कंडीशन हो गई कुल प्राप्तांक समान होने पर। दूसरी कंडीशन है कुल प्राप्तांक समान होने पर चयनित विषय या भाग तीन, चयनित विषय यानी कि भाग तीन का जो प्राप्तांक और कट ऑफ समान होने पर भाषा अर्हता भाग एक, ठीक है, भाषा अर्हता भाग एक यानी कि जो हिंदी लैंग्वेज होता है आपका जो सेलेक्ट करते हैं उसका जो प्राप्तांक है वो जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, वो जिसका ज्यादा होगा उसको औबंधिक नियुक्ति पत्र काउंसलिंग के लिए भेजा जाएगा। यानी कि अगर आपका कुल प्राप्तांक समान है और भाग तीन में चयनित विषय के भी प्राप्तांक समान हो रहे हैं तो आपका जो है भाग एक का भाषा अर्हता प्राप्तांक देखा जाएगा, जिस अभ्यर्थी का भाषा अर्हता प्राप्तांक भाग एक का ज्यादा होगा उसको जो है औबंधिक नियुक्ति पत्र जो है जारी किया जाएगा काउंसलिंग के लिए, ठीक है, उसी व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। चौथी कंडीशन है और आखिरी कंडीशन है कि कट ऑफ मार्क्स, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स यानी कि जो पहला कंडीशन था सबसे शुरू वाला कुल प्राप्तांक जिसको आप बोले या कट ऑफ मार्क्स जो हाई मेरिट होती है
या फिर भाग तीन का जो चयन विषय है, भाग तीन का जो चयनित विषय है उसका प्राप्तांक, या फिर भाग एक, या फिर भाग एक अर्थात भाषा प्राप्तांक, ठीक है, अर्हता भाषा प्राप्तांक भी अगर समान है, यानी कि तीनों कंडीशन समान है, यानी कट ऑफ भी आपका सेम है, भाग तीन में जो चयनित विषय है वो भी जो है सेम है, और भाग एक का अर्हता भाषा का जो प्राप्तांक है वो भी सेम है, तब क्या होता है उस कंडीशन में उम्र अथवा उम्र में भी समानता होने पर, उस कंडीशन में उम्र देखी जाती है, ठीक है, जिसकी उम्र ज्यादा होती है उसको भेजी जाती है, उसको जो है औबंधिक नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा, और अगर उम्र भी एक बराबर है तो उसमें क्या करते हैं फिर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि उम्र बराबर होने का मतलब क्या है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1/1/2012 है और अगले की भी 1/1/2012 है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या करेंगे कि देवनागरी लिपि, ठीक है, ध्यान रखिएगा हिंदी, हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार, ठीक है, वर्णमाला के अनुसार नाम वाले अभ्यर्थी को औबंधिक नियुक्ति पत्र काउंसलिंग के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी जो है तीन कंडीशन, टोटल चार कंडीशन थी, कुल प्राप्तांक की कंडीशन में जिसका हाई मेरिट होगा उसको भेजेंगे, दूसरी कंडीशन होगी जिसका भाग तीन का प्राप्तांक ज्यादा होगा उसको भेजेंगे, अगर भाग तीन का प्राप्तांक भी बराबर है तो भाग एक का भाषा अर्हता का प्राप्तांक जिसका ज्यादा होगा उसको भेजेंगे, अगर कट ऑफ भी बराबर है, भाग तीन का प्राप्तांक भी बराबर है और भाग एक भाषा अर्हता प्राप्तांक भी बराबर है तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ जो है या उम्र ज्यादा होगी उसको भेजेंगे, और अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान है तो फिर उसको भेजेंगे जो हिंदी वर्णमाला के क्रम अनुसार जो है पहले आएगा जिसका नाम उसको भेजा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।